मुख्यमंत्री चौहान द्वारा सैमसंग को प्रदेश में यूनिट लगाने का आमंत्रण। ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले के ग्राम बीरखाम में फीडरों के विभक्तीकरण का किया लोकार्पण। और गृह मंत्री मां शंकर गुप्ता ने बल्लभ नगर और भीमनगर में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत राशि के लिए वितरित किए चेक। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सैमसंग को मध्य प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे भारत के विशाल बाजार में अपने उत्पाद विक्रय का कंपनी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक इकाई लगाने की सबसे अच्छी जगह है, यहाँ देश के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पूरे देश में सामग्री बेचना आसान है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की प्रगतिशील उद्योग नीति और निवेशकों को दी जाने वाली कई सुविधाओं के बारे में भी बताया। राज्यपाल राम नरेश यादव ने माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र और शोध संस्थान भोपाल के 28वीं वर्षगांठ समारोह में माधवराव सप्रे, लाल बलदेव सिंह और महेश गुप्ता राष्ट्रीय पत्रकार पुरस्कार से पत्रकारों को सम्मानित किया। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों के बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता है। फीडर विभक्तीकरण का कार्य इसी दिशा में रचनात्मक पहल है। शुक्ल आज रीवा जिले के ग्राम बीरखाम में 6 फीडर के विभक्तीकरण का लोकार्पण कर रहे थे। गृह मंत्री मां शंकर गुप्ता ने प्राकृतिक आपदा पीड़ित 77 व्यक्तियों को 1,23,000 की राहत राशि के चेक प्रदान किए हैं। उन्होंने भीमनगर के 64 और बल्लभ नगर के 13 हितग्राहियों को राहत राशि के चेक दिए हैं। ये राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत स्वीकृत की गई है। फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निदान किया जाएगा। राज्य मंडी बोर्ड सेवा और प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति सेवा के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन पदार्थ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीन 486 3 अनुदान प्राप्त और 6 स्वित्तीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं। इसमें महिलाओं को न्यूनतम 30% आरक्षण उपलब्ध है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।